सर, आज मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय लिए हैं, मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो गया हवाई अड्डा है, उसमें जो रिफ्यूलिंग की व्यवस्था है, उसमें राज्य सरकार का 29% वैट लगता था, उसको घटाकर 4% हो गया है। इसका यह लाभ राज्य सरकार होगा कि जो हवाई जहाज हैं वह कम टैक्स के जो फ्यूल हैं उसको रिफ्यूलिंग करने के उद्देश्य से गया में लैंड करेंगे और गया में जो ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है और फ्लाइट्स हैं, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो गया टाउन के लिए और गया जिला और उसके आसपास जिलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और इससे हमारा जो गया में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको डेवलप किए जा रहे हैं, उसमें भी अब एयर ट्रैफिक की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण के 520 आसन के पिछड़ा कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी। कुल 12 जिले में इसका निर्माण होगा। कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर, इन सभी जिलों में इसका निर्माण होगा और कुल जो राशि इसमें व्यय होगी वो 556,23,36,000 है। तो इन सभी जिलों में प्लस टू उच्च विद्यालय, कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण के लिए ये छात्रावास है। एक सब रीजनल साइंस सेंटर गया में निर्माण किया गया था और ये नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के अंदर किया गया था और 5 करोड़ इसकी राशि लागत थी और इसमें राज्य सरकार ने का भी अंश था। और अब इसका जो संचालन है और इसका जो रखरखाव है, अनुश्रवण है, अब बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पटना के अंतर्गत होगा। तो ये अब राज्य सरकार की जो संस्था है वही इसकी मेंटेन करेगी, वही इसका रखरखाव करेगा। तो ये एक निर्णय लिया गया। राज्य में आपदा प्रबंधन के कार्यों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा का गठन किया गया और इसके बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संबंध नियमावली 2022 का भी ये निर्माण किया, ये स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत अब राज्य में जो ये हैं हमारे आपदा के लिए जो पदाधिकारी हैं, एक काडर से गठन किया जाएगा और मैं पद बता देता हूँ। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद होगा, एक उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का पद होगा और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी का इस पद होगा। तो ये सब अब आपदा के लिए अलग से काडर है और आपदा में जो स्पेशलाइज लोग होंगे और ये उनका अपना काडर होगा और इसी के लिए सेवा नियमावली की स्वीकृति दी गई। नहीं, केवल अभी इस नियमावली की स्वीकृति दी है, अब इस नियमावली के निमित्त जो पद सृजन होंगे वो अलग से होंगे। केवल वो 3 स्तरीय पद हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी होगा, उप आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रमोशन का पद होगा और आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, और BPSC से इसकी नियुक्ति होगी और ये आपदा के कार्यों के लिए विशेष काडर होगा और ये जिला और मुख्यालय स्तर पर इनका प्रस्तावना होगा। ये विधि विभाग द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें व्यवहार न्यायालय गया अंतर्गत न्यायिक आवासीय परिसर में 20 यूनिट 4 ब्लॉक 80 PO आवास, ये आवास का निर्माण, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण है जिसमें 46,28,001 रुपए इसमें प्राकृतिक राशि है जो स्वीकृति दी गई। तो ये एक व्यवहार न्यायालय गया ने ये स्वीकृत किया गया और हमारा गया में आपको जानकारी होगा कि ये बिपाड़ जो है, बिहार लोक प्रशासन ग्रामीण विकास संस्था बिपाड़ जो है अब शुरू होने वाला है गया में और जिसमें सभी सेवा संवर्ग, राज्य सेवा संवर्ग, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सभी राज्य सेवाओं के संवर्ग का प्रशिक्षण होगा। वो उसके कंप्लीशन और उसके जो जो फर्निशिंग और अन्य
कार्यों के लिए 15 करोड़ का आकस्मिक निधि से अग्रिम निकासी की गई है और इसकी अगले ही महीने इसका आरंभ कर दिया जाएगा। तो इसका कंप्लीशन के लिए जो बच गया था कार्य उसके लिए 15 करोड़ की राशि पटना में वो वहां ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, पटना में जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है जो हमारे डिप्टी कलेक्टर्स का है और अन्य जो बिहार राज्य के जो ये हैं सेवा संवर्ग हैं, बहुत सारे संवर्ग हैं, उद्योग के हैं, नगर विकास के हैं, ग्रामीण विकास के हैं और राजस्व विभाग के हैं, तो जितने भी सेवा संवर्ग हैं अभी सभी का प्रशिक्षण गया में होगा बिहार में। हाँ, अभी तो वाल्मीकि पटना में होता है और अब सभी प्रशिक्षण वहाँ से शुरू होंगे, उसी का फर्निशिंग और उसी का जो कंप्लीशन है उसी के लिए 15 करोड़ की अग्रिम निकासी की गई है। आपको जानकारी है कि नगर निकाय आम निर्वाचन चुनाव चल रहे हैं 2022 और इसके लिए अब अतिरिक्त राशि जो चाहिए था, जो आंकलन किया गया है वह है, उसके लिए अतिरिक्त राशि 62,18,00,000 का प्रावधान BCF से निकासी की गई है। पहले 40 करोड़ का बजट प्रोविजन था तो 40 करोड़ के अतिरिक्त जो हम लोगों ने आंकलन किया है कितना खर्च होगा उसके आलोक में 62,18,00,000 अब राशि की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि 40 और 62 आप जोड़ सकते हैं, इतनी राशि इस आम चुनाव में तय होगी। और बाकी जो प्रस्ताव हैं इसमें विभिन्न स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी संख्या में इस बार पद सृजन किए हैं और मैं सभी पद सृजन के बारे में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम 3,990 के शैडो पद क्रिएट किए गए हैं। तो आप जानकारी होगी कि जो सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उसमें नव उत्तीर्ण PG और डिप्लोमा विशेषज्ञ जो हैं चिकित्सक हैं उनको 3 साल का बॉन्ड भरना होता है। आपको जानकारी होगा 3 साल का बॉन्ड भरना होता है और 3 साल में बॉन्ड में उनको पोस्टिंग होता है। जो नव उत्तीर्ण PG और डिप्लोमा तो उनके पोस्टिंग के लिए ये पद क्रिएट किए गए और अनुमान 1 साल में करीब 1,330 लोग पास आउट होते हैं। तो पहला साल 1,330 लोग का पद है, दूसरा साल 1,330 लोग का पद है और तीसरा साल का 1,330 पद है। तो कुल मिलाकर 3,990 पदों का सृजन है। तो 3 साल का जो टोटल पद होगा, अब 3 बैचेस अकोमोडेट हो जाएंगे उसके लिए ये पद सृजित इन्होंने किया। तो ये जो गांव में अस्पताल है भी जा सकते हैं, मतलब आपके मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं तो मोस्टली ये जिला अस्पताल में होंगे या अन्य मेडिकल कॉलेजेस में होंगे, तो ये स्पेशलिस्ट हैं। तो ये 3 साल में इसकी बहाली होगी? नहीं,